हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम कुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे पैन फ्राइड मोमोज। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। प्लस जिन लोगों को फ्राइड मोमोज पसंद है पर फ्राइड फूड खाने से परहेज करते हैं, उनके लिए बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। मोमोज बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो लगाना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, नमक एंड पानी। अब एक बोल ले लें, उसमें मैदा डालें, नमक डालें। अब हमें इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट डो लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने डो लगा दिया है। अब इसे रेस्ट करने दें एटलीस्ट 15 मिनट्स। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम मोमोज की फिलिंग बना लेते हैं। मोमोज की फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पत्ता गोभी, जिसको कद्दूकस करके लिया है, 1/2 कप प्याज, इसे भी कद्दूकस किया है, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप गाजर, इनको भी कद्दूकस करके लिया है, ऑलमोस्ट 3 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। सीजनिंग के लिए हमें चाहिए 1/3 टेबलस्पून पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार एंड लास्टली 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। अब एक पैन में वेजिटेबल ऑयल डालें, देन उसमें लहसुन और अदरक डालें, हरी मिर्च डालें, इसके बाद तुरंत प्याज डालें। अब सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर डालें। याद रहे हमें सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है सारी चीजों को, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है। अब सीजनिंग ऐड कर दें, नमक एंड काली मिर्च का पाउडर। फिलिंग रेडी है, अब मोमोज बना लेते हैं। डो की सबसे पहले ऐसी छोटी छोटी बॉल्स बना लें। इनका साइज पूरी की लोई जितना होना चाहिए, ज्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसे रोल करते हैं, पतला पतला बेलना है आटा लगा लगा कर, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं। इसे बिल्कुल ऐसा बेलिए, आप देख सकते हैं मैंने सारी शीट्स रोल आउट कर ली है। अब एक शीट लीजिए, उस पर ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून फिलिंग रखिए। आप मोमो किसी भी शेप का बना सकते हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल शेप्स बताऊंगी। इसे बस इस तरह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करिए और इसे एक साथ चिपका दीजिए। स्टार्टिंग में ये इतने परफेक्शन के साथ नहीं बनेंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये बहुत अच्छे बनने लगेंगे। नेक्स्ट शेप में आप इसके हाफ साइड को एक के ऊपर एक ओवरलैप करें एंड प्लेन साइड पर चिपका कर शेप दे दें। इसी शेप से हम एक डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हैं। बस इसके दोनों एंड्स को जोड़ दीजिए, एक नया शेप रेडी हो जाएगा। लास्ट शेप जो कि सारे बिगनर्स के लिए है एंड सबसे इजी है, आप सिर्फ इसमें फिलिंग डालें और इसे एक गुजिया की तरह बंद करके चिपका दें। मैंने आपको कुछ बहुत ही इजी शेप्स बता दिए हैं। अब आपको जो शेप पसंद आए आप वैसे मोमोज बना लें। चलिए अब इन्हें कुक कर लेते हैं। स्टीमर की जरूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही कुक कर सकते हैं। एक कढ़ाई में पानी बॉईल करें एंड सिंपली एक छन्नी ले लें, उसे ऑयल से ग्रीस कर लें एंड देन एक के बाद एक मोमोज प्लेस कर दें। अब इसे ढक्कन लगाकर स्टीम करें। स्टीम हो गए हैं मोमोज, कितने अमेजिंग दिख रहे हैं। अब हमें इन मोमोज को पैन फ्राई करना है, जिसके लिए हमें चाहिए 1/3 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून बटर एंड कोरिएंडर। एक पैन हीट करें, अब इसमें बटर मेल्ट करें, देन मोमोज ऐड कर दें। अब इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर फ्लिप कर करके हल्का गोल्डन कलर आने तक कुक करें। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इसमें चाट मसाला ऐड करें एंड हरे धनिये से फिनिश करें।
नेक्स्ट लेवल सुपर टेस्टी पैन फ्राइड मोमोज रेडी हैं। अब आप इन्हें सर्व करें स्पाइसी मोमो चटनी एंड मेयोनीज के साथ। एंजॉय करें। स्पाइसी मोमो चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब होम कुक यूट्यूब चैनल। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।